शिवा हुंडई चक खैरुल्ला बेलैसा आजमगढ़ में ग्रैंड मेला। हुंडई की BS4 इंजन वाली कारों पर पाइए 50,000 से 1.5 लाख तक की भारी छूट। एक्सचेंज ऑफर और तत्काल फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। अभी नहीं तो कभी नहीं, भारी डिस्काउंट के साथ अपनी कार के सपने को कीजिए साकार। पहुंचिए शिवा हुंडई चक खैरुल्ला बेलैसा वाराणसी रोड आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन इज द लिबरेटिंग प्रेमाइस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी चाइल्ड। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप टू क्लास 12th अफिलियेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है। एंड ISO सर्टिफाइड स्कूल, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना वायरस के तेजी से फैल रहे संक्रमण को लेकर शासन व प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। 22 मार्च तक शिक्षण संस्थाओं को बंद करने के उपरांत शासन ने शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कोरोना को लेकर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी स्थिति से निपटने के समुचित प्रबंध किए जा चुके हैं। मंडली चिकित्सालय आजमगढ़ PGI के साथ साथ अतरौलिया के 100 बेड हॉस्पिटल में विशेष वार्ड बनाए गए हैं। विदेश से जनपद आ रहे लोगों पर सतत निगरानी रखी जा रही है, खासकर संक्रमित देशों से आ रहे लोगों को विशेष रूप से ट्रैक किया जा रहा है। प्रधान सेक्रेटरी को भी बाहर से आ रहे लोगों की मॉनिटरिंग करने, उनकी सूचना देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जनपद में फिलहाल कोई संक्रमित व्यक्ति ट्रेस नहीं किया गया है। 4 जांचें जो भेजी गई थी वे भी निगेटिव पाई गई हैं। इराक से आए व्यक्ति की सैंपलिंग कराई गई थी, उसमें भी बीमारी के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। सर, जो कोरोना को लेकर तैयारी चल रही है, उस पर जिले में किस तरह से? देखिए, मुख्यतः अवेयरनेस और सावधानी के लिए करना सबसे जरूरी है। इसके लिए चूंकि आजमगढ़ जनपद में बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, इसलिए हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से जो स्क्रीनिंग करके गवर्नमेंट में सूचना होती है, उनमें से कोई व्यक्ति इस जनपद में अगर आया है एयरपोर्ट से, तो उसके विषय में उसको क्वारंटाइन में पहला प्रयास यही है कि उसको समझा करके अपने घर में ही वो अलग कक्ष में रहे, अगर उसको कोई सिम्टम है तो। और अगर हल्का भी सर्दी जुकाम बुखार है तो उसको उसके परिवारजन या MOIC कांटेक्ट करके हॉस्पिटल ले आए। हमने 3 जगह आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन की व्यवस्था किया है, एक मंडलीय चिकित्सालय में, एक जो हमारा मेडिकल कॉलेज है चक्रमानपुर का, और एक अतरौलिया का जो 100 बेड है हॉस्पिटल, उसमें हमने सबसे अधिक 24 बेड की व्यवस्था कराई है, क्योंकि थोड़ा आबादी से दूर है और अधिक सेफ प्लेस है किसी को अगर क्वारंटाइन या आइसोलेट करना है तो। इस जनपद में अभी तक कुल 25 लोगों की सूचना मिली थी जो बाहरी देशों से आए थे, लेकिन उनमें किसी का भी कोई भी लक्षण कोरोना का जांच के बाद नहीं मिला है, जो 5 सैंपल भेजे गए थे। हमने सेक्रेटरीज को, प्रधानों को, लेखपालों को, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रखा है कि अगर कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति आता है तो तत्काल उसको मैपिंग करें और MOIC को बताएं। पुलिस को भी हमने अलर्ट किया है, अगर कहीं भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है कि कोई बाहरी व्यक्ति है
इसमें कोई पैनिक नहीं करना है, बट ये जरूर रखना है कि उस व्यक्ति को भी समझाना है कि हो सकता है वो संक्रमित हो, तो उसके परिवारजन भी संक्रमित हो सकते हैं, परिवेश संक्रमित हो सकता है, इसलिए कुछ दिन तक वो खुद को आइसोलेट रखे। और अगर सिम्टम पाया जाता है तो उसका जरूर तत्काल सैंपलिंग भी कराने में मदद कराए, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आज हम बैठक कर रहे हैं, पहले भी निर्देश भेजा था रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर और रोडवेज वालों को कि वो लोग भी आईसी और अपने अनाउंसमेंट के माध्यम से इसकी जरूर मैपिंग रखें। अगर कोई व्यक्ति बाह्य देशों से आता है, जो मुख्यतः जो संक्रमित देश अधिक हैं, जो इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, फ्रांस है, इराक है, वहाँ से अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको जरूर हम उसको ट्रैक करें। और फॉर्चुनेटली हमारे जनपद में भी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन पूरी सावधानी जरूरी है। और अवेयरनेस के लिए भी हमने अपने सेक्रेटरीज और लेखपालों से कहा है कि गांव-गांव में जागरूकता लाएं कि साफ सफाई, और अगर सर्दी जुकाम सामान्य है तो उस पर कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको भी प्रॉपर देखभाल और दवा ज़रूरी है ताकि संक्रमण किसी तरह का फैल करके लोगों को नुकसान न पहुँचे। नहीं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो इराक से आया था और उसने खुद ही फ़ोन करके हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को बताया कि हम चूंकि इराक से आए हैं इसलिए ज़रूरी है कि हमारा भी सैंपलिंग करा लिया जाए। उस पर कोई लक्षण नहीं था, लेकिन मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, उसने खुद अपने को कहा कि मैं बाहर से आया हूं इसलिए मेरी जरूर सैंपलिंग करा ली। हाँ, तभी ठीक। आजमगढ़ जनपद में बीते 12 व 13 मार्च को हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तैयार फसल की बर्बादी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले की कई तहसीलों पर 80-90% तक फसल बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि की भेंट चढ़ चुकी है। ऐसी विकट परिस्थिति में शासन प्रशासन कृषकों की मदद के लिए आगे आया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 2 दिनों की बारिश और ओलावृष्टि के बाद कराए गए सर्वे में जिले के 37 गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांवों के 2,926 किसानों की 987.86 हेक्टेयर फसल नष्ट हुई है। डीएम ने बताया कि प्रत्येक किसान को 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। बताया कि 10 लाख की धनराशि पहले से इस मद में है। 1.5 करोड़ रुपए की मांग शासन से की गई है। आज शाम तक स्वीकृति मिलने की संभावना है। दैवीय आपदा से प्रभावित किसानों की मदद शासन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए धनराशि मिलते ही सोमवार मंगलवार तक किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। मैंने 12 और 13 को हुआ, 12 को जो हुआ था 12 को ही मैंने सर्वेक्षण करा लिया था सुबह से लगा के, कल जो हुआ कल करा लिया था। 37 गांवों के 2,926 कृषकों का 987.86 हेक्टेयर प्रभावित हुआ था, उसके लिए धनराशि पर हेक्टेयर 13,500 किसानों को दिया जाना है। 10 लाख की हमारे पास राशि मौजूद थी, उसका हमने बेनिफिशियरी बना के आज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। शेष हमने 1.5 करोड़ रुपए शासन से मांग लिया है और वो आज शाम तक रिलीज होने की उम्मीद है। मंडे ट्यूसडे तक वो धनराशि हम कृषकों के खाते में ले जाएंगे। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि दैवीय आपदा से प्रभावित किसी व्यक्ति को लाभ से वंचित न हो। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को जिला कार्यालय पर नवनियुक्त जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री व नोएडा से विधायक पंकज सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर पंकज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार का 3 साल का कार्यकाल आगामी 18 मार्च को पूरा हो रहा है। इस मौके पर 18 से 24 मार्च के बीच में प्रत्येक गांव में चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश महामंत्री ने कहा कि यूपी का समग्र विकास करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, जिसमें हर जिले को बराबर महत्व दिया जा रहा है। आजमगढ़ सहित किसी भी जिले के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। लखनऊ में लगाए गए उपद्रवियों के पोस्टर विवाद पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस पर सियासत कर रही है। यूपी में कोई भी दंगा करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा किसानों पर की गई टिप्पणी के जवाब में पंकज सिंह ने कहा कि मायावती की सरकार में किसानों का भारी नुकसान हुआ है, उन्हें किसानों के मुद्दे पर बात करने का अधिकार नहीं है। भाजपा नेता ने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी
2017 से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। सरकार पूरे उत्तर प्रदेश का ही समग्र विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। हर जिले का विकास होना चाहिए, तभी हम उत्तर प्रदेश को मजबूत कर सकते हैं और पूरी प्रतिबद्ध है। कहीं पर भी कोई अनदेखी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सभी को साथ लेकर चलना है और पूरे उत्तर प्रदेश को ही एक मजबूत स्थिति में लेकर आना। जिस तरह से एनआरसी का जो दंगा हुआ उसमें जिस तरह से उपद्रवियों के पोस्टर लगे हैं, लगातार विपक्ष भी अब भाजपा के भी पोस्टर लगा रहा, क्या करेंगे सर? अब देखिए, इसमें सरकार ने अपनी तरफ से जो कहना था वो कोर्ट में सरकार भी कह रही है और कुल मिला के इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई दंगा करने और कराने की अगर कोशिश करेगा तो कानून उस पर अपनी कड़ी कार्रवाई करेगा। बस इतना मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर गलत करके कोई बच नहीं सकता। इतना मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि योगी जी की सरकार में गलत करके कोई बच नहीं सकता, इतना मैं कह सकता हूँ। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में अखिलेश यादव के पोस्टर सभा के लगे, उनको भगवान श्री कृष्ण बताया गया है जबकि योगी को विनाशक बताया गया, सब क्या कहेंगे? अब देखिए, अब ऐसी सोच के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। योगी जी के प्रति पूरे देश में एक अच्छा माहौल है। उत्तर प्रदेश के लोगों में योगी जी के प्रति विश्वास की भावना है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ही योगी जी उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम भी कर रहे हैं। 22 में देखिए, हमारे कार्यकर्ता लगातार किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 14 से भी ज़्यादा बड़ी विजय हम लोगों को 19 में मिली, 17 से भी ज़्यादा बड़ी विजय हम लोगों को 2022 में मिली। देखिए, ऐसे लोग या ऐसे दल जिनके नेतृत्व में या जिनके रहते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों ने अभूतपूर्व नुकसान सहा हो, ऐसे लोगों को ये सब अब बोलने का अधिकार नहीं है। और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश या देश को अगर आगे लेकर जाना है तो सबसे पहली आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश और देश के गांवों का विकास हो और किसानों को उनका हक और उनका न्याय मिले। यह हम सब लोग समझते हैं और इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं कि किसानों को न्याय होना चाहिए, उनकी आय दोगुनी होनी चाहिए और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं किसी को चैलेंज या किसी के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के क्षमता पर हम लोगों को पूरा विश्वास है, अपने नेतृत्व के विचार क्षमता पर, अपने पार्टी की विचारधारा पर मुझे पूरा विश्वास है और इसके बदौलत हम लोग 17 से भी बड़ी विजय 2022 में हासिल करेंगे। ये बात सही है कि लालगंज लोकसभा हम लोग जीते थे लेकिन पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक विजय मिली है, लेकिन एक गोरखपुर क्षेत्र में भी ऐतिहासिक विजय मिली है, लेकिन आजमगढ़ में अब जो मुझे लगता है देखकर कि आने वाले समय में हम लोग अपने यहाँ की दोनों जगह की मैं बात करूँ तो 10 विधानसभा पे विजय के लिए हम सब लोग लड़ेंगे। अभी आज की परिस्थिति में तो बस इतना ही कह सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 से 31 मार्च के बीच प्रदेश के जिलों का दौरा करेंगे। इसी क्रम में सीएम आजमगढ़ में भी औचक भ्रमण कर सकते हैं। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि विकास कार्यों की समीक्षा करने मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ आ सकते हैं। हालांकि विश्वविद्यालय के शिलान्यास और एयरपोर्ट के लोकार्पण का कार्यक्रम अभी नहीं है, यह दोनों कार्यक्रम अप्रैल में संभावित है। मुख्यमंत्री जी ने जनरल कह रखा है कि 19 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में किसी भी जनपद का भ्रमण कर सकते हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये भ्रमण कोई औचक हो सकता है। लेकिन जहाँ तक एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी आदि के प्रश्न हैं, उसके विषय में मुझे लग रहा है कि शायद वो विजिट अप्रैल में ज़्यादा संभावित। सामाजिक संगठन प्रयास ने सराहनीय प्रयास किया है। शनिवार को संगठन ने लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए लोगों के बीच निःशुल्क मास्क का वितरण किया। कलेक्टर कचहरी क्षेत्र स्थित पुलिस चौकी के समीप लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण करते हुए लोगों से अपील की कि वे कोरोना वायरस से डरे नहीं बल्कि इसके बचाव के लिए मास्क पहनें, स्वच्छता अपनाएं, भीड़भाड़ वाले स्थानों से परहेज करें, बुखार खांसी सांस में तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। संस्था अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि भयानक बीमारी के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए लोगों में डर व्याप्त है। लोगों के डर का फायदा उठाते हुए दुकानदार
मास्क व सैनिटाइजर उची कीमतों में बेच रहे हैं। जिसे देखते हुए संगठन ने लोगों को निशुल्क मास्क वितरण का कार्य शुरू किया है। पहले दिन 500 लोगों को मास्क वितरण का लक्ष्य रखा गया। हम लोग जो ये भयानक बीमारी जिसका जो है तेजी से बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है कि भाई कोरोना कोरोना कोरोना, और इसके पीछे बहुत लोग अपनी दुकानदारी भी चटका लिए हैं। दरअसल जो मास्क 2.5 रुपये का यूज एंड थ्रो है, आज 20 रुपये का बिक रहा है। जो 35 रुपये का मास्क है उसको 150 रुपये का लोग दे रहे हैं। तो हम लोग आज जो उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप साफ़ सफाई रखिए, थोड़ा सा जो खांसी उसी वाले हैं उनसे थोड़ा सा दूरी आप बनाए रखिए, स्वच्छता रखिए। ऐसा कुछ भी नहीं बहुत ज़्यादा गंभीर है। कुछ लोग इसको हवा खड़ा कर करके अपना दुकानदारी चला रहे हैं, तो हम एक संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे लोग थोड़ा सा दुकानदारी अपनी बंद करें। और ऐसी परिस्थितियों में जहाँ लोग भयभीत हैं तो आप संवेदनशीलता बनाए रखिए और किसी का शोषण मत करिए। आज हम लोगों ने मास्क बांट करके आज ये संदेश देने का प्रयास किया है। अभी हम लोग आज 300 मास्क बांटे हैं और आगे भी अभी कार्यक्रम जारी है और लगभग आज हम 500 मास्क बांटने वाले हैं। न गड्ढे भरे जा सके और न ही जल निकासी के समुचित प्रबंध ही किए जा सके, और इसी स्थिति के चलते बारिश के बाद यह नज़ारा आपके सामने है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि बाइक सवार कैसे फंस गया है और लोग कैसे बच बचा कर चलने को मजबूर हैं। ऊपर से जंपिंग जैक बनी सड़क लोगों को झूला झूलाती नजर आ रही है। यह हाल है कोलघाट का। कोलघाट की यह अति व्यस्ततम सड़क बाईपास बंधे से लिंक होती है, जिसके चलते यहां आवागमन लगातार बना रहता है। तमाम विद्यालयों को जोड़ने वाली इस सड़क से देश के भविष्य से बच्चे वर्तमान के कड़वे अनुभव से रोजाना दो चार हो रहे हैं। प्रधान के हाथ खड़े कर देने के बाद लोगों की उम्मीद परस्पर प्रशासन की नजरें इनायत पर टिकी हुई हैं। बरसात के पूर्व आईना बनी इस सड़क पर प्रशासन की रहमोकरम कब बनती है, कब क्षेत्र के लोगों और राहगीरों के दिन व राह फिरते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्थानीय क्षेत्रवासी चाहते हैं कि प्रशासन यहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था कर सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य बरसात से पूर्व करा दे, ताकि इस साल भी नरकी स्थिति में फंसने धसने से वे बच सकें। यह DM कार्यालय से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है कोलघाट गांव। यहां का जो मेन रोड है कोलघाट से बाईपास से अटैच है। इसकी सीधी यह है कि यहाँ कचरा हमेशा लगा रहता है, नाली और सड़क दुरुस्त नहीं है। सब हो जाती तो बहुत बेहतर हो जाता। तो क्या कहना चाहेंगे कि किसकी लापरवाही है और कितने स्कूली घर हैं, क्या रास्ते किसकी? इस रोड पे कई विद्यालय हैं, लगभग 3 या 4 विद्यालय हैं। सब बच्चों में आते जाते समय लोगों का पैर जो है कचरे में जाता है, बच्चे गिर जाते हैं और लोग जाते हैं, गिरते रहते हैं, तो आम लोगों को चोटें आ जाती हैं। फिर भी इसी रोड की स्थिति अच्छी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सड़क की स्थिति कोलघाट की? अरे सड़क बहुत बहुत खराब है और यहाँ पर आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती है लोगों को। तो क्या दिक्कतें होती हैं, गाड़ी स्लिप करती गिर? अरे भाई कई लोग गिर गए। तो बराबर यहाँ पानी लगा रहता है जी? यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल भी है और से ऑफिसे हैं, जो कि आने जाने में बच्चे भी गिर गए, गाड़ी भी स्लिप खा गई, लोग गिर गए, सारी समस्या है। क्या कहना चाहेंगे, 5 साल प्रधानी बीत गई लेकिन अभी भी कार्य नहीं हुआ इस पे? अभी भी कोई कार्य नहीं हुआ यहाँ पर। रोड ऐसा जैसा कि तैसा है। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? अब लापरवाही प्रशासन का है और किसका है।